एक दिन की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक औरत रहा करती थी। वह बाजार से घर लौट रही थी। जब वह अपने घर गई तो उसे एक खरगोश दिखता है। वह खरगोश को देख के चौंक जाती है और खरगोश उसे देख के भाग जाता है। भाग के एक टेबल पे जाके बैठ जाता है और मीना उसके पास जाती है और सोचती है, अगर मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की और यह फिर भाग गया तो, इसलिए वो जाके अपने चार पाई पे बैठ जाती है और अपनी बेटी का इंतज़ार करती है। जब उसकी बेटी खेल के बाहर से अंदर आ जाती है तो वो भी चौंक जाती है कि यह खरगोश इधर कैसे आया। तो उसकी मम्मी शीला उसको सब विस्तार से बताती है कि वो जब आई घर में तो उसे ये दिखा, बताती है और वो खुशी के मारे उछलने लगती है कि अब हम इसको पालेंगे। और दोनों जाके उस चारपाई पर बैठ जाते हैं क्योंकि शीला की दोस्त आने वाली होती है। जब शीला की दोस्त आ जाती है तो वो भी एकदम चौंक जाती है क्योंकि उसने भी उस खरगोश को देखा। देखते ही वह पूछती है, अरे यह खरगोश तुम्हारे घर में कैसे, तुमने तो उसको पाला नहीं था। तो वो भी उसको सारे विस्तार से कहानी बताती है। सारे गांव वाले उस खरगोश के साथ बहुत खेलते थे। सारे बच्चे बहुत खुश थे कि हमारे गांव में भी एक खरगोश है। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, खरगोश कहीं भाग जाता है। जब वो लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि खरगोश उधर नहीं है। देख के बहुत दुखी होते हैं और सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। उसकी दोस्त, वो, उसकी बेटी, सब लोग उसको ढूंढने लगते हैं लेकिन निराश होकर घर आ जाते हैं। जब दूसरे दिन जब वो लोग बड़े ही निराश मन से चारपाई पे बैठे थे, तभी अचानक से उनका खरगोश वापस आ जाता है। जब वो आता है तो उसकी बेटी और वो पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे, हमें कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हें पता है। खरगोश कहता है, मैं तो जंगल में गया था क्योंकि मुझे अपने जंगल की, अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी। तो फिर शीला ने कहा, अगर तुम्हें इतनी ही याद आती है तो एक दिन तुम जंगल में और एक दिन तुम घर में रहना। तो इसलिए वो एक दिन जंगल में और एक दिन घर में रहा करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।